हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल शॉप। गाइस, तो गाइस आज संडे एंड आज हम यूनिवर्सिटी की तरफ से श्रीमिथिव पैलेस घूमने जा रहे हैं एक्सकर्शन के लिए। एंड गाइस, आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, मतलब हमारी बस 8 बजे निकलने वाली थी एंड मैं 7:53 को नींद से उठता हूँ। तो मैं जैसे तैसे रेडी होकर सारा सामान लेकर कैब में बैठ जाता हूँ एंड मैं कैब में फिर थोड़ा कॉम वॉम कर लेता हूँ एंड क्रीम व्रीम लगा लेता हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा धूप भी थी, तो इसलिए मैं कैब में ही रेडी हो जाता हूँ। एंड हमारी बस आ चुकी थी एंड ये रही हमारी बस एंड सारे बच्चे बैठ चुके थे। एंड आज हमें हमारी लैटिन लैंग्वेज की मैम मारिया मैम एंड हमारी डीन ऑफिस में वाइस डीन मैम नतालिया मैम, ये दोनों हमारे साथ गए थे एक्सकर्शन के लिए एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आया गाइस। तो मैंने उसका पूरा व्लॉग आप लोगों के लिए शूट किया है एंड हम शहर से बाहर निकलने वाले हैं एंड बहुत सारे गाँव देखे गाइस। यहाँ पर रशियन गाँव, लिटरली गाँव जैसे, मतलब छोटे छोटे विलेजेस टाइप के लग रहे थे। तो गाइस, आप ये व्लॉग अगर इन्जॉय करते हैं तो हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल मेडिको शुभ गाइस। तो इन्जॉय द व्लॉग गाइस। हम सबसे पहले बस में बैठ गए थे एंड बस से कम 3 घंटे का रास्ता था एंड हम बस में बहुत सारी गेम्स एंड गाने वाने खेलते हुए गए थे। एंड हमारे एक सीनियर भैया थे, उन्होंने हमारे लिए पराठे भी बना कर लाए थे। एंड 2 घंटे की कंटिन्यूस ड्राइविंग के बाद हमने एक जगह में हॉल्ट लिया जहाँ पे हमारे सीनियर्स ने, मतलब हमारे साथ सेकंड ईयर के भी कुछ भैया लोग गए थे, तो उन्होंने पिक्स लिया एंड हमने भी पिक्स लिए। एंड ये रही हमारी मैम गाइस, ये रही डीन ऑफिस की नतालिया मैम गाइस। एंड हमने बहुत सारे फोटोशूट भी किए, तो अगर आपको वो मेरे सारे फोटोज़ एंड वीडियोज़ रील्स देखना है तो मैं मेरा इंस्टाग्राम लिंक दे दूँगा। एंड गाइस, ये एक कब्रिस्तान था चर्च का, जहाँ पे इतने सुंदर तरीके से मतलब कब्र लोगों ने बना रखी थी जो एक्सपायर हो गए थे उनकी, बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी गाइस। एंड उसके बाद हम, इसके बाद ही हम पहुँच चुके थे, क्योंकि उसी शहर यूरिना में ही है, यूरिना का ही है। एंड ये मतलब जिस श्रीमिथिव पैलेस में हम जा रहे थे ना, ये उसके साइड में ही, बाजू में ही था ये चर्च, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। एंड ये रहा गाइस, ये पूरा कैसल का दीवार है, इसको इसके अंदर ही है श्रीमिथिव पैलेस। एंड इट्स लाइक श्रीमिथिव पैलेस था ना जो गाइस, वो मतलब यहाँ के बहुत रिच बिजनेसमैन थे, इनके इटली, फ्रांस, पीटर्सबर्ग, इन सब जगह में इनके पैलेसेस थे, बट वो लोग रियल किंग नहीं थे। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा इनके लिए मैटर करता है कि एक बिजनेसमैन था जिसने राजा के अकॉर्डिंग, राजा से भी ज़्यादा यहाँ पे वेल्थ कर लिया था, तो ये उसका ही पैलेस था पूरा। एंड इनके और भी बहुत सारे पैलेस है गाइस, पीटर्सबर्ग, पर्म एंड फ्रांस, इटली, इन सब जगह में भी इनकी प्रॉपर्टीज़ थी, बट अब ये अपने वेल्थ को उतना अच्छा मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो इन्होंने ये जो है, ये पैलेस मारियल रिपब्लिक के जो गवर्नमेंट को है उनको सबमिट कर दी थी। एंड अभी उसी से इनका खाना पीना, खर्चा पानी चलता है। तो ये रहा पहला हॉल गाइस, जहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स एंड ऑल सब रखी हुई है। एंड ये गाइस एक बहुत पुराना पेड़ था जिसे काटा गया था, तो हम उसकी भी देख रहे थे शेल्फ लाइफ। एंड हम सबसे पहले पहुंचे थे इस पैलेस के सबसे बड़ी बालकनी में, जहाँ पे उस टाइम, मतलब बहुत पुराने ज़माने में, यहाँ के राजा, यहाँ के सब मतलब जो प्रजा थी उनसे मिलते थे, बिकॉज ये जो बिजनेसमैन था ये उतना रहता नहीं था इस पैलेस में, तो वो यहाँ पे, यहाँ के जो राजा थे उनको ये रेंट पे दे देते थे ताकि वो आकर यहाँ पे अपनी प्रजा से मिले। एंड ये था एक शाही जगह जहाँ पे गेस्ट लोग को इनवाइट किया जाता था एंड वो आकर बैठते थे एंड वो इन्जॉय करते थे इन सब का डांस। मतलब ये वो डांसर्स की फ़ोटोज़ हैं जो यहाँ पे पूरी दुनिया भर से लाई गई थी गाइस, लिटरली पूरी दुनिया भर से गाइस लाई गई थी। एंड ये जो पीछे आप चिमनी देख रहे हो, ये एक, मतलब मुझे ये नाम याद नहीं आ रहा, एक आइलैंड था जो आज नहीं है, जो डूब चुका है वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण। इसके हर एक पत्थर गाइस उसी वॉल्केनिक इरप्शंस वाले आइलैंड से लाई गई थी एंड आज वो आइलैंड नहीं है, बट यहाँ पे उसके अवशेष है कि वो आइलैंड था। और ये पता है गाइस, इस पूरे रूम पर आग लग गई थी बहुत साल पहले, बट आज भी ये बचा हुआ है। एंड ये गाइस वजू, शायद तक इसे वजू खाना उन्होंने कहा था। एंड ये वॉशरूम एरिया है इस तरफ से, जो बंद हो चुका है, बंद करवा रखा है। यहाँ पे बहुत बड़ा, उस टाइम का सबसे बड़ा बाथरूम था इस पैलेस में, जहाँ पे राजा रानी लोग आते थे एंड रेस्ट वेस्ट करते थे। And this one guys is the sitting area and these are some dresses which were used that time. और यहाँ पे वो बैठ के अपने सारे नोबल्स एंड नोट्स लिखते थे। एंड यहाँ पे गाइस पीछे बहुत सारे उस टाइम के सिंगर्स एंड बहुत सारे ड्रामा राइटर्स, उनकी पिक्चर्स रखी हुई थी जो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी लिटरली गाइस। एंड उसके बाद हम यहाँ के हॉल से निकलने के बाद हम यहाँ पे बालकनी में गए थे जहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। एंड उसके बाद हम एक रूम पे गए थे, मतलब जहाँ पे दिखा रहा था कि रॉयल डिनर जो मतलब राजा रानी लोग करते थे, वैसा टाइप का डिनर यहाँ के बिजनेसमैन, ये जो है सबसे अमीर बिजनेसमैन, ये
करते थे एंड कुछ गोल्ड के चेस्ट बॉक्सेस भी थे जो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे गाइस। काश इसमें से एक कॉइन मुझे मिल जाता तो मैं बहुत अमीर हो जाता गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना है ना तो इसलिए। और यहाँ पे बहुत सारे चाइनीज़ प्लेट्स भी लाए गए थे एंड यही इन्होंने ही फर्स्ट टाइम रशिया में चाइनीज़ प्लेट्स एंड इन सब का इंट्रोड्यूस करवाया था। मतलब ये मारियल रिपब्लिक में इंट्रोड्यूस करवाया था, नॉट इन रशिया बट मारियल रिपब्लिक में चाइनीज़ प्लेट्स एंड चीनी मिट्टी के बर्तन उन सब का इंट्रोडक्शन करवाया था। एंड उसके बाद गाइस इस महल के सबसे सुंदर जगह पे हम गए थे। तो गाइस अब देख सकते हो कितना ज़्यादा सस्पेंस बना रखा था हमारे गाइड ने, इस रूम को खोल नहीं रहे थे वो। एंड जब उन्होंने खोला, वाओ, लिटरली सबके मुँह से निकला वाओ, इतना सुंदर रूम था वो। मतलब ब्लू कलर से पूरी दीवारें कर रखी थी एंड हल्की धूप आ रही थी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड उसमें इस वाले हॉल पे मतलब हर कॉन्टिनेंट से एक उस कॉन्टिनेंट का खास पेड़ लाकर रखा हुआ था। तो गाइस हमने हेविस्कस देखा ना, यहाँ पे हेविस्कस नहीं होते जनरली बट इस महल में हेविस्कस भी कर रखा था तो जो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था गाइस। यहाँ पे हमने बहुत 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 सारी फ़ोटोज़ ली एंड वो सारी आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे देख सकते हो, मैं डाल दूंगा आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक। एंड मैंने उसमें बहुत सारी पोस्ट कर दी है एंड आगे भी पोस्ट करने वाला हूँ बहुत सारी। तो यहाँ पे एक मिरर भी रखा हुआ था जहाँ पे मैंने दिखाया कि मैं कैमरे से शूट कर रहा था। एंड यहाँ पे गेट पे भी हमने बहुत सारी पिक्चर्स ली एंड इससे हम उस वाले गेट से हम थर्ड फ्लोर पे गए, वहाँ पे भी हमने बहुत बहुत सारी पिक्चर्स ली एंड बहुत सारे रूम्स देखे। एंड ये भी कुछ कोर्टयार्ड हॉल्स थे जहाँ पे उस टाइम राजा रानी लोग आकर बैठते थे एंड बिजनेस की बातें करते थे। एंड ये बंद हो चुका है क्योंकि यहाँ ये वाली सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। एंड हम यहाँ के बेसमेंट में भी गए थे तो गाइस यहाँ के बेसमेंट की तो अलग ही कहानी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ जब हम बेसमेंट के सामने पहुँच जाएंगे। एंड ये उस टाइम के रियल लेदर्स के काउचेस थी जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी एंड वो यहाँ के बिजनेस में सपोर्ट करके रखते थे सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हाउ मच रिच दे आर। और बट वो खुद भी नहीं बैठते थे गाइस क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे और वो एक बार अगर मतलब ख़राब हो जाता है तो उन्हें और फिर वापस से ठीक नहीं करवाया जा सकता था इसलिए। एंड अब हम यहाँ के बेसमेंट की तरफ जाने वाले हैं। तो गाइस पता है ये बेसमेंट किस लिए बनाया गया है? तो गाइस इस बेसमेंट को इसलिए बनाया गया है ताकि यहाँ पे ये लोग ठंड के समय शराब रख सकें, जो वाइन्स विस्कीज होती है वो सब रख सकें। एंड गाइस यहाँ पे एक वो हो गया था, मतलब कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी मेरे फ्रेंड्स के बीच में और सीनियर्स के बीच में कि यहाँ पे घोस्ट है। मतलब सीनियर्स हमें डराने की कोशिश कर रहे थे एंड हम डरने वाले तो थे नहीं गाइस। तो वही ये एक बहुत ज़्यादा भयानक रूम था गाइस, यहाँ पे ये लेडी का पुतला रखा हुआ था एंड मैं अकेले गया था गाइस देखने के लिए कि मतलब आपको दिखाने के लिए शूट करने के लिए मैं इधर अकेले चला गया था। एंड यहाँ पे थोड़ी सी मुझे डर लगी क्योंकि यहाँ पे पता नहीं थोड़ी सी ठंडी सी हवा आ रही थी जहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा तो मैं बाहर आ गया फटाफट से आपके लिए शूट करने के बाद। तो उसके बाद हम ऊपर चले आए एंड ऊपर आने के बाद बस हमें गाइड ने स्टोरी बताई कि यहाँ पे एक नौकरानी थी जो हमेशा प्लेट तोड़ा करती थी एंड उसे मार दिया था। तो ये सारे सीनियर्स एंड सारे स्टूडेंट्स हमारे गाइड की स्टोरी सुन रहे हैं मन लगाकर। एंड ये रहा गाइस जो आपको दिखाना था मुझे, ये उस टाइम की कुछ सारी शराबें रखी हुई हैं जो मतलब अभी भी इसके अंदर है, प्योर वाइन है गाइस। एंड ये रहा श्रीमतेव पैलेस का बाहर का आउटर व्यू जो मैंने एक जिन भैया को बोला था नीचे जाकर ले लेने के लिए ताकि मैं आपको दिखा सकूं। एंड यहाँ से हम वोल्गा रिवर की तरफ जा रहे थे गाइस। वोल्गा रिवर मतलब यहाँ की शायद सबसे बड़ी रिवर तो नहीं है बट ये बहुत सारे स्टेट से होकर जाती है एंड हमारी यशकरोला में भी शायद वोल्गा की एक ट्रिब्यूटरी आती है। एंड गाइस ऐसा बोलते हैं कि वोल्गा रिवर को जब आप फर्स्ट टाइम टच करो तो आप अगर कोई विश मांगते हो ना तो विश डेफिनेटली पूरी होती है, डेफिनेटली। तो फिर हम भी गए थे ना वोल्गा में फर्स्ट टाइम तो हमने भी वहाँ पे जाकर कुछ विश मांगी। हमारी मैम ने उसका शूट किया था, बहुत अच्छा शूट किया एंड हमने वहाँ पे भी बहुत सारी पिक्चर्स ली। एंड ये शायद यहाँ की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है जो यहाँ के बिजनेसमैन ने बनाई थी। एंड उन्होंने कहा समथिंग 60,000 बुक्स इस लाइब्रेरी में थी, हाँ 60,000 बुक्स इस लाइब्रेरी में थी। एंड फिर हम नीचे आ गए थे सब कुछ कंप्लीट करके अंदर का एंड फिर हम चले गए थे रिवर्स के साइड क्योंकि हमें वहाँ पे विश मांगनी थी, बहुत सारे फोटो शूट करने थे। एंड ये हमारी मैम ने लिखा मीटियन मार्सू, मार्सू मतलब हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी। एंड यहाँ पे हम सारे सीनियर्स ने एंड सब ने बहुत सारी फोटोज़ क्लिक की वोल्गा रिवर पे एंड हमने विश भी मांगी एंड हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो थैंक्स टू माई स्टेट यूनिवर्सिटी, आवर डीन ऑफिस नतालिया मैम एंड हमारी लैटिन की मैम मारिया मैम कि उन्होंने हमें चूज़ किया इतने अच्छी जगह में घुमाने के लिए। तो आज के लिए
इतना ही बोलना है मुझे। एंड फिर हमारी आज का एक्सकर्जन कंप्लीट हो गया था। फिर हमने बस में आकर मैंने लंच बना रखा था, मैंने आलू के पराठे बनाए थे तो मैंने वही खाया, एंड एक केक रख लिया था तो मैंने आलू के पराठे और केक खा लिए थे। एंड सब सीनियर्स ने अपना अपना खाना टिफिन बना कर लाया था। एंड आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल मेडिकोशिप गाइस। तो हम शहर के अंदर पहुँच चुके हैं, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका दिन अच्छा हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।